आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कोड रन किया है इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, 30 रिजल्ट आ रहा है। अगर नहीं देखने में बन रहा है तो आप यहाँ पे देखिए रिजल्ट 30 आ रहा है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग देख रहे थे वेरिएबल्स के बारे में। ओके, आप लोग स्क्रीन पे देखें जो सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया, आप इसका आंसर दीजिए आप मुझे। सभी आदमी ने रिजल्ट देखा, 30 कैसे रिजल्ट आया? ओके अंजलि, और किसी ने देखा रिजल्ट 30 कैसे आया? सौम्या, सोनल, ओके। तो ये रिजल्ट आपने 30 देख लिया, ओके। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये लाइन ऑफ कोड आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सबको तो दिख ही रहा होगा मेरा कोडिंग। तो आप यहाँ समझिए कि जैसे यहाँ रिजल्ट मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, तो 10 है यहाँ पे तो मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को कि मैंने 100 लिख दिया। देन फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्या किया, रन किया, ठीक है? मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन किया, देखिए रिजल्ट 120 हो गया, आप लोग देख रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वैल्यूज जो भी हम वेरिएबल में चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारा रिजल्ट भी चेंज होगा, ओके? तो अब क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि जो ए इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, बी इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, सी इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल, किस टाइप के वेरिएबल हैं ये, इंटीजर टाइप के वेरिएबल। चूंकि अभी मैंने तुरंत बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है। तो फ्लॉट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल दैट मस्ट बी हैव अ डेसिमल पॉइंट, जो जिसमें भी डेसिमल पॉइंट होगा, जिसमें पॉइंट आ जाएगा, ये जो पॉइंट आ गया इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि फ्लॉट वेरिएबल है। सीधे सीधे कहिएगा कि ये क्या है, फ्लॉट वेरिएबल है, ओके? एक क्वेश्चन किए थे, किसी ने क्वेश्चन किया था कि फ्लॉट वेरिएबल क्या होता है, उसी का मैं आंसर दे रहा था अभी। तो उनको आई होप कि उनको समझ में आ गया होगा कि फ्लॉट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे काइंड ऑफ एल्गोरिदम में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, एल्गोरिदम हम लोग बनाते हैं ताकि हम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। तो एल्गोरिदम को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, अगर एल्गोरिदम को आप चाहते हैं कि सभी कोई समझ पाए, देन यू मस्ट हैव टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और फ्लो चार्ट जब तक आप डिफाइन नहीं करते हो तो समझ लो कि फिर आप तो समझ जाइएगा अपने एल्गोरिदम को, लेकिन कोई अननोन आदमी, नॉन टेक्निकल पर्सन उस एल्गोरिदम को नहीं समझ पाएगा। इसलिए फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चर्स होते हैं उसमें, जिसकी मदद से ये बताया जाता है कि मैंने ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। तो प्रीवियस वीडियो में फ्लो चार्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप केवल देखिए उसको। अब इस फ्लो चार्ट में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट भी आते हैं, जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रीन को आप देखते रहें, समझ में आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे वर्ड खोल ले रहा हूँ, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या कि कोई भी फ्लो चार्ट हम लोग लेते हैं, कि कंडीशनल स्टेटमेंट, अभी तो आपने ए प्लस बी ये सारी चीज़ें देखा कि ए प्लस बी जोड़ा मैंने कैसे वेरिएबल के तौर पे, तो उसमें क्या हो गया कि आपका जुड़ के आ गया। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन की बात आई, लेकिन अगर मान लीजिए लॉजिकल कैलकुलेशन की बात आई आएगी कि जो मैंने नंबर दिया है वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, अगर इस तरह की कैलकुलेशन की बात आएगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि इवन नंबर वो होगा जो 2 से डिविजिबल होगा, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कौन सा एल्गोरिदम और कौन सा फ्लो चार्ट हमको डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि उसका पिक्टोरियल फॉर्म अनदर कोई पर्सन आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे कि इवन और ऑड नंबर का हमारा क्या है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन है, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर का कैलकुलेशन है, कैसे लॉजिकली पिक्चराइज फॉर्म में हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ शेप्स हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं से वैल्यू इनपुट होगी। वैल्यू जब इनपुट हो जाएगी, वैल्यू जब इनपुट हो जाएगी तो उसका क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो मैं डिजाइन कर देता हूं कि यहां पे आपने कोई वैल्यू एंटर करा, तो आपने वैल्यू एंटर करा कौन सा, इंटीजर में एंटर करा नंबर को, इंटीजर एन इज इक्वल टू आपने एंटर करा 7। ठीक, आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि आप क्या करोगे भाई, आप करोगे ये कि आपको चेक करना है कि क्या दिया गया 7 क्या है, इवन है या ऑड है, इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करना है मुझे। तो नेक्स्ट में इसका क्या होगा, नेक्स्ट में इसका कैलकुलेशन आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन जब आगे प्रोसेस होगा, कैलकुलेशन जब आगे प्रोसेस होगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होगी। सॉरी, उस तरह का सैम्पल नहीं मिल पा रहा है मुझे, बट जो सैम्पल मिल रहा है उससे मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन होगा कि नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस का मतलब ये होता है, ये जो परसेंट का साइन मैंने दिया है ना प्रोग्रामेटिकली, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोला जाता है। तो जो आप नंबर डालें यानी 7 डाला आपने, वो डिवाइड होगा 2 से, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर शेषफल 0 बचता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, 0 बचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं बचता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, ऑड है।
तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन, जैसे अब पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ इनपुट किया गया है n इज इक्वल टू 7, फिर यहाँ कैलकुलेशन उसका हो रहा है। तो ये तो आम आदमी भी जो नॉन टेक्निकल पर्सन भी होगा तो वो ये फ्लो चार्ट देख करके इस चीज़ को समझ जाएगा कि भाई फ्लो चार्ट है, इस तरीके से ये काम हो रहा है इसमें, इसलिए हम लोग फ्लो चार्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं। बहुत सारे फ्लो चार्ट आपके बुक में दिया हो गया है, जैसे पेज नंबर 85 पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, पेज नंबर 85 आपने सभी पेज नंबर 85 निकाल लिया? यस सर, लिखिए पेज नंबर 85। ओके, तो पेज नंबर आपने 85 निकाल लिया, तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट डिपिक्ट्स कंडीशनल स्टेटमेंट पिक्टोरियली। आप देख रहे हैं ना कि पिक्चराइज फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है कंडीशनल स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान, फर्स्ट इफ स्टेटमेंट पे देखिए, कह रहा है कि इफ कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट S1 होगा, ठीक है, और वेन एवर द कंडीशन इज फॉल्स देन रिजल्ट इज S2, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट वाले पिक्चर में कह रहा है कि अगर कोई शर्त दिया गया कंडीशन सही होता है तो S1 रिजल्ट आता है, और अगर कोई दिया गया कंडीशन फॉल्स होता है तो S2 रिजल्ट आता है। तो क्या दोनों एक साथ आ सकता है? नहीं, ट्रू होगा तो S1 रिजल्ट आएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो S2 रिजल्ट आएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है? इफ का कंडीशन हुआ। उसी तरह से आप नीचे देखिए कि बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, नीचे केस स्टेटमेंट में तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो कंडीशन नंबर अगर 1 है, कंडीशन नंबर यहाँ देखिए 2 है, से लेके कंडीशन नंबर n तक, यानी कि Sn1+1, यानी आगे का कंडीशन बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का सेंस सिंपली इतना है कि अगर इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू देन S1 रिजल्ट इज प्रिंटेड एंड एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। If the condition is false, then go to the condition 2. If the condition 2 is true, then S2 is printed and exit from the program. If the condition 2 is false, then go to the next condition, any condition n. If the condition n is true, then S1 result printed and exit from the program. If the condition n is false, then go to the next condition, यानी Sn+1। तो ये बातें आपको समझ में आई कि अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू होता है तो S1 प्रिंट करेगा और बाहर निकल जाएगा, नहीं तो कंडीशन 1 अगर फॉल्स हुआ तो कंडीशन नंबर 2 पर चला जाएगा। कंडीशन अगर 2 ट्रू हुआ तो S2 रिजल्ट प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन 2 फॉल्स होता है तो फिर कंडीशन नंबर n पे चला जाएगा। तो ये बातें फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ रही हैं, तो आप बताइए इसका पूरा प्रोग्राम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। अभी तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आप इसको केवल पिक्टोरियल फॉर्म में ही समझिए। अरे यार, समझ में आ रही है अंजलि, अरिन, अरीबा, महबूज, सौम्या, सोनल, राकेश रोशन जी? ओके, तो इवन मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है मेरी बातें, ठीक है। तो ये रहा टर्म 1 तक का हमारा सिलेबस। अब हम लोग जो भी चीज़ें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो वगैरह जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वो जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस पर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो भी होंगे उस पर हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स, अगले वीडियो में मैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को मैं देखूंगा और उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और जिसको जो प्रॉब्लम होगा जिस टॉपिक में, आप लोग उस टॉपिक को क्या करेंगे, मुझे चैट पे बता देंगे और मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट किसी के क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास होगा तो 3 मिनट्स रह गए हैं नेक्स्ट क्लास में, और दूसरे को भी पढ़ाना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब क्लास को स्टॉप करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।